खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने गुरुवार को इंदिरा बाल विहार स्थित रेस्टोरेंट पर खाद्य पदार्थों के प्रयोग होने वाले तेलों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमार गुंजन के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले तेल को लेकर उसके प्रयोग की विधियों की जानकारी दी गई और बताया गया कि 3 बार इस्तेमाल हुए खाद्य तेलों का उपयोग दोबारा कतई न करें। इस तरह के तेलों से स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है और कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारी पनप सकती है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा की टीम ने इंदिरा बाल विहार स्थित कृष्णा कॉफी सेंटर सहित अन्य रेस्टोरेंट के तेल का सैंपल लिया और उसके मानक की जांच की गई। इस अवसर पर खाद्य विभाग की सहजनवा क्षेत्र की अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमार गुंजन ने कहा, और 3 से 4 बॉइलिंग के बाद तेल में टोटल पोलर जो कंसंट्रेशन होता है यानी फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं जो खाद्य और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। 25 के बाद अभी सेफ है, लेकिन अभी इसमें 2-3 बॉइलिंग के बाद यानी ये इस तरह का जो टेस्ट है हमेशा विभाग द्वारा पूरे शहर में संचालित होगा, अलग अलग घंटों में संचालित अरे स्टील का गिलास नहीं है, स्टील गिलास कलर
कोई नहीं है। ये इसमें कलर कभी मत बताइएगा, ना कलर बताइएगा कोई कलर। क्या नाम है आपका? रसुल्ला कलर मत बताइएगा, कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं है। सब जगह देखा जा रहा है, होने के बाद विभाग वही चेक कर रहा है कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के जो कल के जो चीज़ खिलाई जा रही है लोगों को, जो ऑयल की क्या कंडीशन है, उसी के लिए एक डिवाइस है, उस पर हम चेक करेंगे। जिसमें अगर जो 25% जो होता है उसका हमारा एक लेवल है, 25% के ऊपर होने पे वो तेल आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, जिसको तुरंत वो घर पे भी नहीं हम लागू हो रहा है। घर पे अगर जो आप पूरी तल रहे हैं, 25-30 बार तल चुके हैं, वो तेल खराब हो चुका है, काला होने पे तेल खराब माना जाता है। अब वही सब खा के लोगों को सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी, पेट पेट की और भी अल्सर, सब उन्हीं सब तेल की वजह से हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं। ये ऐसे प्रतिष्ठानों जहाँ स्टीम बॉयल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, चाहे घर पर हो चाहे बाहर, जो स्टैंडर्ड कंडीशन स्टीम बॉयल के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। तेल कंज्यूम हो जाए, ठीक है। अभी मिश्रा जी घबराने वाली बात नहीं है, जानकारी आपको दे दी गई है। इतना तेल डालिए कि वो तीन बार में कंज्यूम न के बराबर बचे, ठीक है। इतना मत ज्यादा डाल दिए कि पैसा कड़ाई खोलती रहे दिन भर, वो होता रहे। जो लोग खा रहे वो भी आपसे जुड़े हैं। मतलब अब ये नहीं जानकारी था, अब हो गया जो ये होता है तेल शाम को हम देते हैं, लेकिन शाम को ऐसा भेजिए कि तीन बार बाद जैसे उबल जाए तो तेल जो है आपका इकट्ठा कर लीजिए, उसको फेंकिए मत, वो एजेंसी मिल जाएगी खरीद के। कड़ाई में कड़ाई नहीं, अभी नहीं है, कुछ समय पकौड़े करते नहीं है हमारे यहाँ, वो मक्खन चाय उसी तेल नहीं तो लग रहा है। अभी ओपनिंग हो रही है इसकी, तेल फ्राई हो रहा है क्या? ये खाद्य पदार्थ में जो खाद्य पदार्थ जनता को खिलाया जा रहा है वो किस तेल, जो भी मीडियम है तेल, कुकिंग मीडियम, उसके क्वालिटी के संदर्भ में ये प्रोग्राम चलाया गया है। ये खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की ओर से पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, विभाग दूसरा विभाग, पूरे जनपद में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शासन की ओर से हमारे विभाग की ओर से एक डिवाइस प्रदान की गई है, जिससे हम पोलर कंसंट्रेशन जो ऑयल में काफ़ी ज़्यादा हीट होने के बाद बन जाता है केमिकली रूप से, उसकी जाँच की जा रही है। यही कार्यक्रम पूरे शहर में जनपद में चलाया जा रहा है। जानकारी भी देंगे, किस तरह तेल को, देखिए तेल को जब भी आप लोग जहाँ भी घर में
खा रहे हैं या कहीं बाहर भी, तो ध्यान रखें कि तेल 3 बार से ज़्यादा बॉयल ना हो। 3 बार से ज़्यादा बॉयल हो जाने के बाद उसमें ख़तरनाक केमिकल डेवलप हो जाते हैं जिसे ट्रांसफैट कहते हैं, और लोगों को उन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वही शरीर में जाके फ्री रेडिकल बनाते हैं और लोगों के आर्टरीज ब्लॉक्स होती हैं, कैंसर की समस्या, इस तरह तमाम बीमारियां उन सब इस तरह के ऑयल से बने खाद्य पदार्थ खाने से हो जाता है। अभी इन पर हम लोग अभी पूरी जन जागरूकता चला रहे हैं, जब ये जागरूकता पूरे शहर में जनपद में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अपने अधिनियम के अकॉर्डिंग हम उस पर कार्रवाई करेंगे।